मंजिलें भी जीतती है, ये मंजिलें भी जीतती है, रास्ते भी जीतती है। देखते हैं कल क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये हौसले भी तो जीतती है। खैर, आज की वीडियो में बात करूंगा खासकर कहानियां ऐसी जो ओलंपिक से जुड़ी हुई हैं। आपको पता है ना, देश ने पहली बार ओलंपिक के 121 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीते, टोटल 7 मेडल्स। सबको पता है पीवी सिंधु ने भी जीता, मीराबाई चानू ने भी जीता, और लास्ट में अगर हम देखें तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल। लेकिन यहाँ की कहानी स्टडी से कैसे कनेक्टेड है वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी बात है और एक छोटी भी है। पता है जीवन किताबों के उस पार भी है, किताबों के अंदर भी है और किताबों के इस पार भी है। जब लोग बात करते हैं डिग्री की, बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, सब जीरो हो जाते हैं। एक चीज कहूंगा उन लोगों से जो बहुत सारे सपने देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन टूट रहा है। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि बहुत सारे टूटे हुओं को एक मोटिवेशनल बड़ा सहारा दे पाऊं, लेकिन कम से कम एक चीज याद रखो। कहानी पीवी सिंधु से उठाता हूं। पीवी सिंधु मैदान में जाके 4 बजे आरंभ कर देती है अपना प्रैक्टिस करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 4 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन याद रखो जो प्यार मीराबाई चानू को उसके वेट लिफ्टिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उनसे था, नीरज चोपड़ा को जो प्यार अपने भाले से था, पीवी सिंधु को जो प्यार अपने रैकेट से था, बजरंग पुनिया को जो प्यार अपने कुश्ती से था, अगर वही प्यार आप अपने सपने के साथ करने लगो ना, दुनिया का कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या हम उन जैसा बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे तो चल सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या फिर फील्ड हो गेम्स का, कहीं भी देखिए हर एक चीज मांगता है डेडिकेशन। इज अ डिफरेंट थिंग, हर कोई डेडिकेटेड रहता है, लेकिन क्या हम उतना प्यार कर पाते हैं उस चीज को जिस चीज के लिए हम जीना चाहते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने जो किया वो क्यों कर पाए, उसके पीछे मेहनत तो थी ही लेकिन प्यार था उस अपने काम के लिए। जो वो गेम खेल रहे थे उस गेम के लिए प्यार था उनके मन में। उन्होंने जब ट्वीट किया कि जब सफलता आपको सोने ना दे, जब दिन ऐसे आ जाए जब आपको सोने ना दे, वो जिंदगी आपको चैन ना पड़े, समझ लीजिएगा आने वाला दिन जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेके आने वाला है। आप यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम निकालने के लिए परेशान है, सोच रहे हैं कि यार लाइफ का क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले से सोच के बैठे हैं। पता है डर लगता है, लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, वो एक गेम का हो, एक पेपर हो, या फिर हमारे दैनिक जीवन का कोई हिस्सा हो, हर एक एग्जाम से पहले डर लगता है। जरूरत ये है उस डर से प्यार कर लो यार, जीत जाओगे, भरोसा कर लो मेरी बात का। ये देखता हूँ ना कई बार कमेंट देखता हूँ कि डर लग रहा है, माइंड हैंग हो रहा है। यार हैंग मोबाइल होते हैं, माइंड हैंग नहीं होते हैं, ट्रस्ट में। हर सच बता रहा हूँ, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप अपनी मेहनत के बल पर हासिल नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज। जब जीवन में लोग आपको आपके काम के लिए गालियां देना स्टार्ट कर देना, अगर अच्छा कर रहे हैं तो समझ लेना सफल हो रहे हो। कभी मत सोचना कि इसने क्यों टोक दिया। इफ यू आर डूइंग वेल और लोग आपको क्रिटिसाइज करें, सफलता की शुरुआत वहां से हो जाती है। जेएनयू जैसे संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनको पता नहीं कौन कितने रोक रहे होंगे, दिल से मेहनत कर रहे यार, सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मैं कदमों में सफलता को नहीं डालूंगा, आपको मुट्ठी में डालूंगा ताकि उस सफलता का मजा ले सको। दोस्तों आज की कहानी का अंत होता है यहां एक छोटे से पॉइंट के साथ, और वो पॉइंट केवल इतना है कि जब लगे कि हार रहे हो, जब सबसे बेकार टाइम आ जाए आपकी जिंदगी का, पता है वहां पे भगवान आपके लिए चीज छोड़ता है जिसे इंग्लिश में होप कहते हैं,
हिंदी में आशा कहते हैं। उस आशा की किरण को अगर आपने देख लिया, वहीं से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्न आता है। लेकिन अगर आपने उस आशा को छोड़ दिया, तब आप रियल में हार जाते हो। हारना मत कभी, कभी जीवन हारते हैं हम, लेकिन फिर से मजबूत बनने के लिए। तो जीवन में हार कहाँ होगी, वो तो एक शिक्षा लेके आता है कि आप फेल भी हो गए तो कुछ ऐसा सीख लिया जिससे अगली बार उस फेलियर का पता ही नहीं चलता है दूर तक कहाँ चला गया। सो अपने सपने को प्यार करो, पहले पूरे तब होंगे। जब तक प्यार नहीं होगा ना, तब तक सपने पूरे नहीं होते। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं ऐसी चीजें आपके सामने और लेके आता रहूंगा। मैं जानता हूं आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, आपके करियर के बहुत सारे प्रेशर होंगे, फैमिली प्रेशर्स होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन इंसान है यार, हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम में से किसी का सपना होगा ना कि हम चार्टर प्लेन खरीदना चाहते हैं, उसका पूरा हो सकता है अगर उस सपने से प्यार करते हो, सपने के प्यार को लेकर मेहनत करता है। जितनी मेहनत आप अपने प्यार को पाने में करते हो ना निजी जिंदगी में, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हो, उतनी मेहनत एक बार अपनी जिंदगी के प्यार के लिए कर लीजिए, अर्थात तो सपने के लिए कर लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। खैर, दिल से मेहनत करिए, ईश्वर आपके साथ होगा, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।